हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम की समरी जिसका टाइटल है द कैनोनाइजेशन और इसे लिखा है एक मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने। तो इस पोएम का जो स्पीकर है वो एक मिडल एज्ड मैन है हु हैज फॉलन डीपली इन लव, जो प्यार में एकदम पड़ गया है। तो जो मिडल एज्ड मैन होते हैं, जो मतलब 40 टू 50 के बीच में जिसका एज होता है और वो कोई नए रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब वो लव में पड़ जाते हैं, तो बाकी जो लोग होते हैं, मतलब जो सोसाइटी के लोग होते हैं या फिर उस इंसान के जो दोस्त लोग होते हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इस पोएम का जो स्पीकर है वो ही मजाक उड़ाने वाले लोगों को कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो, मतलब स्पीकर को और उनके बिलव्ड को अकेला छोड़ दो, एंड लेट हिम लव। तो यहाँ पर स्पीकर क्या बोल रहा है कि प्यार करने का कोई एज नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, सो इट कैन स्ट्राइक एट एनी एज एंड इट कैन हेल्प लवर्स टू अटेन सेंट लाइक इमोर्टेलिटी, मतलब संत की तरह, एक रिलीजियस मैन की तरह उनकी ग्लोरी जो है वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टैंजा में जो फर्स्ट थ्री लाइन्स है उसमें पोएट जो ऑडियंस है, मतलब जो उनको देख रहा है या फिर उनके जो फ्रेंड्स है उनको देख रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, तो उनको वो पोएट क्या कह रहे हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, भगवान के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, एंड लेट मी लव। और अगर बिना बोले तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो ठीक है, तुम मेरे बालों पर मेरा मजाक बना लो, मेरे सफेद बालों पर, बूढ़ी हड्डियों पर, शेकी हैंड्स पर, फॉर्च्यून पर, जल्दी से मजाक बनाकर तुम यहाँ से जाओ। और बाकी के लाइंस में पॉइंट उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि ये सब करके तुमको क्या मिलेगा, इससे अच्छा तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, अपने स्किल को इम्प्रूव करो, या फिर जो भी काम करके तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो करो, बट प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी बिलव को अकेला छोड़ दो, लेट मी लव। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो जो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, जो इनको टॉन्ट मार रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अपने जुबान पर कंट्रोल रखो और हमें प्यार करने दो। और चाइड माय पॉलिसी और माय गाउट। चाइड मींस टू क्रिटिसाइज, मतलब किसी को ब्लेम करना। पॉलिसी मतलब पैरालिसिस और गाउट मींस बोन डिजीज, मतलब जो जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम होते हैं उसको बोलते हैं गाउट। सो पोएट हियर सेज दैट यू कैन गो अहेड एंड मेक फन ऑफ माय शेकी हैंड्स और माय सोर जॉइंट्स, माय फाइव ग्रे हेयर्स, मेरे जो पांच सफेद बाल हैं उसका भी तुम मजाक उड़ा सकते हो, उस पर भी तुम मुझे ताना दे सकते हो, और रुइंड फॉर्चून फ्लाउट, फ्लाउट मतलब डिसरिस्पेक्ट, या फिर तुम मेरी गरीबी का भी मजाक उड़ा लो। अब आगे के लाइन पे पोएट हंसने वाले लोगों को कुछ सजेशन दे रहे हैं। विथ वेल्थ योर स्टेट मीन्स यू कैन गो एंड मेक योर वेल्थ, मेक योर फॉर्च्यून, अपने नसीब को और अच्छा करो, यहाँ पर बैठ के मुझे सुना के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। योर माइंड विथ आर्ट्स इम्प्रूव, अपने आर्ट्स को इम्प्रूव करो, अपने स्किल को इम्प्रूव करो। टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस मीन्स यू कैन टेक अप अ न्यू करियर, गो एंड फाइंड अ न्यू प्लेस, या फिर कोई हायर अप क्लर्जीज, जो नोबल मैंस होते हैं, जो किंग होते हैं, उनको फॉलो करो, उनको सर्व करो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस और किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, कंटेम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव, मतलब वो सारे काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा मुझ पर से ध्यान हट जाएगा एंड यू विल लेट मी लव। तो फ्रेंड्स, ये सारी बात पोएट किसे कह रहे हैं, ये लोगों को कह रहे हैं। आपने सुना होगा एक प्रोवर्ब है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो यहाँ पे पोएट एक्चुअली उन लोगों को कुछ काम सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव काम सजेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो लोग उस काम में इंगेज हो जाएंगे तो पोएट पे इतना ध्यान नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, स्टेंजा वाइज जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ उसे आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं। फिर पोएट नेक्स्ट स्टेंजा में क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका वो आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते। वो पूछते हैं कि क्या कभी मेरे लव के वजह से किसी को इंजरी हुई है, मतलब किसी को हर्ट हुआ है, या फिर मेरे आह भरने के वजह से कभी कोई शिप डूब गया, या फिर मेरे आंसुओं से कभी कोई लैंड पर फ्लड आ गया, कभी बाढ़ आ गया है, या ठंडी का मौसम बंद हो गया, या फिर उनके फीवर के वजह से, उनके जो वेन्स में ब्लड है वो जब गर्म होता है उसके वजह से कोई पैंडेमिक फैला, मतलब कोई प्लेग जैसी बीमारी फैल गई क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जब हमारे प्यार के वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो क्यों कोई हमें टॉन्ट मार रहा है, कोई हमें क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है। तो सब कुछ जब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमारे वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग हमारे बीच में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। अलास 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 मतलब जब हम अनहैप्पी होते हैं तो अपने अनहैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते वक्त अलास कहते हैं। हु इज इंजर्ड बाय माई लव, मतलब मेरे लव से
कोई हर्ट हुआ है क्या, कोई इंजर्ड हुआ है क्या, ऐसा पूछ रहा है पोएट। व्हाट मर्चेंट्स शिप हैव माय साइड राउंड, मेरे आहें भरने से मतलब मेरे लंबे सांस लेने के वजह से क्या कोई मर्चेंट का शिप पानी में डूब गया, ऐसा पोएट पूछ रहा है। हु सेज माय टियर हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, क्या किसी ने कंप्लेन किया कि मेरे आंसुओं के वजह से उसके लैंड पर बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है। व्हेन डिड माय कोल्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, तो पोएट पूछ रहा है क्या मेरे कोल्ड के वजह से कभी कोई स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का जो सीजन होता है जिसमें ज्यादा ठंडी नहीं रहती है ना गर्मी रहती है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, क्या उसके कोल्ड के वजह से वो मौसम आना खत्म हो गया। व्हेन डिड द हीट्स व्हिच माय वेन्स फील एड वन मोर टू द प्लेग बिल, तो पोएट एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब मेरे जो वेन्स में जो ब्लड का जो हीट है उसके वजह से एक और प्लेग फैल गया, मतलब एक और पेंडेमिक बीमारी आ गई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा पोएट पूछ रहा है। सोल्जर फाइंड्स वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, लिटिजियस मैन मतलब जो आर्ग्यूमेंटेटिव मैन होते हैं, जो बहुत ज्यादा विवाद करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनको बोलते। पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि सोल्जर्स अभी भी वॉर पर जाते हैं, लॉयर्स अभी भी अपने केस लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर केस किया जा रहा है। सो पोएट इज सेइंग दैट सोल्जर्स स्टिल गो टू वॉर एंड लॉयर्स स्टिल फाइंड आर्ग्यूमेंटेटिव पीपल हु सू ईच अदर, एक दूसरे पर केस कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट माई लेडी एंड आई लव ईच अदर, मतलब हम लोग अब तभी से प्यार कर रहे हैं और अभी भी प्यार करते जा रहे हैं, तो जिससे जिसका जो नॉर्मल शेड्यूल है, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, वो तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो किसी को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फिर थर्ड स्टेंजा में पोएट लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जो भी चाहे हमें बुला सकते हो, लेकिन हम जो भी बने हैं एक दूसरे के प्यार के वजह से बने हैं। तुम चाहो तो हमें मॉर्टल बुला सकते हो, मतलब जिसमें कोई जान ना हो, बेकार इंसान, या फिर हमें लस्टफुल फ्लाइज बुला सकते हो, मतलब एक कीड़ा बुला सकते हो जिसके अंदर लस्ट भरा हुआ है, या फिर तुम लोग हमें कैंडल्स बुला सकते हो, मतलब टैपर्स मतलब क्या होता है, कैंडल जो अपने ही पैशन में खुद जलते रहते हैं, उससे भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन हम एक दूसरे के नज़र में एकदम स्ट्रांग है, वाइज हैं, जैसे ईगल्स होते हैं उनके जैसे हैं, और स्वीट और मीक है एक डव के जैसे। डव क्या होता है, एक टाइप का बर्ड है। तो पोएट ने अब खुद को और अपने बिलव को डव से कंपेयर किया है, कहा कि कितने स्वीट्स हैं हम लोग, और अपने आप को स्ट्रांग और वाइज कहा है एक लीगल से कंपेयर करके। बाकी बोलते हैं कि तुम लोग को जो सोचना है सोचो, लेकिन हम अपने नज़र में ऐसे ही हैं। फिर पोएट आगे कहते हैं कि हम लोग एक फिनिक्स जैसे हैं। फिनिक्स क्या है, एक मिथोलॉजी में एक बर्ड है जो मरता है और अपने ही एशेज से मतलब अपने ही राख से वो वापस जिंदा हो जाता है। तो पोएट यहाँ पे अपने आप को फिनिक्स से कंपेयर करते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही लव है जो हम लोग मर के वापस जिंदा हो जा रहे हैं। सो आर लव यू सी मेक्स अस इंटू अ मैजिकल क्रिएचर, मतलब हमारे प्यार ने हमको क्या बना दिया, एक मैजिकल क्रिएचर बना दिया है। कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव, सो पोएट इज सेइंग दैट यू कैन कॉल अस व्हाटएवर यू वांट एंड वी आर लाइक दिस बिकॉज ऑफ आवर लव। कॉल हर वन एंड मी अनदर फ्लाई मींस यू कैन कॉल हर वन फ्लाई एंड मी अनदर, मतलब एक मक्खी उसको बोल सकते हो, एक मक्खी मुझे, मतलब कोई कीड़ा मक्खी जो भी इंसेक्ट है हम लोग को उससे कंपेयर कर सकते हो। वी आर टैपर्स टू, मतलब वी आर कैंडल्स टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई, मतलब हम अपने ही पैशन में अपने ही आग में जलते हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, तो पोएट यह सेइंग दैट व्हाटएवर यू पीपल वांट टू थिंक अबाउट अस यू कैन थिंक, बट फॉर अस वी आर लाइक अ ईगल, ईगल वन हु इज वेरी स्ट्रांग एंड वाइज, एंड ऑल्सो वी आर स्वीट एंड मीक लाइक डव। द फिनिक्स रिडल हाफ मोर विट By us, we two being one are it. तो फिनिक्स का मतलब मैंने पहले बता दिया, फिनिक्स मतलब क्या है, एक मैथोलॉजी का बर्ड है जो मर के फिर से जिंदा हो जाता था, और हाफ मतलब हैव को हाथ बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश में। पोएट सेज लाइक फिनिक्स वी डाई एंड देन गेट अप अगेन, आवर लव यू सी मेक अस इंटू अ मैजिकल क्रिएचर, मीन्स वो बोल रहे हैं हम मिस्टीरियस बन जाते हैं, एक मैजिकल क्रिएचर बन जा रहे हैं अपने लव के वजह से। फिर फोर्थ स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो हम साथ मर सकते हैं, ये बहुत ही फेमस लाइन है, अगर हम जी नहीं सकते तो मर जाएंगे। फिर पोएट आगे कहते हैं अगर आप लोग हमारे लव स्टोरी को किसी ट्यूब में काव नहीं कर सकते, किसी हर्स में काव नहीं कर सकते, तो हम एक छोटे से पोएट्री का हिस्सा भी बनकर खुश हैं। हर्स मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा कार होता है, मतलब लार्ज कार होता है जिसमें डेड बॉडी को लेकर जाते हैं। फिर पोएट आगे कहते हैं कि भले हमारी लव स्टोरी कोई हिस्ट्री ना क्रिएट करे, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं कभी कभी किसी की लव स्टोरी जो है फेमस हो जाती है, लोग हिस्ट्री में भी उसको पढ़ते हैं, तो पोएट वही कह रहा है कि भले हमारी लव स्टोरी हिस्ट्री ना क्रिएट करे, लेकिन फिर भी हम एक छोटे से पोएट्री के सोनेट बनकर भी खुश हो जाएंगे।
आगे भी पोएट इसी रिलेशन में बात कर रहे हैं कि जो बड़े हीरोज होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, उनके डेथ के बाद उनका जो एशेज होता है, जो रिमेनिंग्स होता है, उस पर मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, टूम बनाया जाता है, अर्न मतलब अर्न होता है एक वेसल होता है जिसमें एशेज को रखा जाता है, ऑर्नामेंट स्टाइल में वेसल होता है। पोएट यही कह रहे हैं कि अगर ये सब नहीं भी होगा तभी भी चलेगा, मैं इतने में भी खुश हो जाऊंगा, जो मैं पोएट्री लिखूंगा उसमें, जो अपने बारे में लिखूंगा, अपने लव के बारे में लिखूंगा, वही मेरे लिए एक मॉन्यूमेंट जैसा रहेगा। और उसको पढ़कर, उस पोएट्री को पढ़कर लोग जरूर अप्रूव करेंगे कि इन दोनों का लव इतना प्योर है, इतना सच्चा है कि इन दोनों को सेंट बनाना चाहिए। तो कैनोनाइजेशन का क्या मतलब होता है, जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें डेड पर्सन को सेंट डिक्लेयर करते हैं, ऑफिशियली सेंट डिक्लेयर करते हैं। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स एंड हर्स आर लीजेंड बी It will be fit for worse. So the same thing is given here what I have explained before. So poet says here that we can die if we cannot live. And if our love story cannot be fit in tombs or hers, let the legend be there and we can even fit in verse. Means ek chote se poem mein, ek chote se poetry mein bhi hum fit ho sakte hain. And let the legends be in tombs and hers. And if no piece of chronicle we prove, means if our love story won't create any history, we will build in sonnet's pretty room. मतलब एक सोनेट के छोटे से रूम में भी हम लोग रह सकते हैं, मतलब वहां पे भी हमारी स्टोरी रह सकती है। So poet is talking about the poetry which he going to write about his love. As well, a well-wrought urn becomes the greatest ashes as half-arched tombs. And by these hymns, all shall approve us canonized for love. कहने जब उनके डेथ के बाद जब उनकी पोएट्री लोग पढ़ेंगे तो वो अप्रूव करेंगे, जरूर अप्रूव करेंगे कि हमारा जो लव है उसे कैनोनाइज किया जाए। नाउ लेट्स सी द लास्ट स्टैंजा। जब पोएट का लव कैनोनाइज्ड हो जाएगा, जब पोएट और उसके बिलव्ड कैनोनाइज्ड हो जाएंगे, तो लोग जब उन्हें प्रे करेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे कि तुम दोनों ऐसे लवर्स थे जिनका प्यार जो है एक प्राइवेट सेक्रेट चैपल बन गया। चैपल क्या होता है, एक रूम होता है जहाँ पे क्रिश्चियंस जो है वो प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो इतना प्योर हो गया है कि वो एक चैपल जैसा है, इनका प्यार जो है चैपल हो गया है, और जहाँ पे लोगों को जाकर शांति मिलेगी और लव का फीलिंग आएगा। और ये लोग ऐसे लवर्स थे जो एक दूसरे को ही पूरी दुनिया समझते थे, एक दूसरे की आंखों में ही पूरी दुनिया को देखते थे। मेकिंग ईच अदर इन टू द होल वाइल्ड वर्ल्ड विथ इट्स कंट्री सिटीज एंड नोबल कोर्ट्स। और लोग गॉड से डिमांड करेंगे कि जो इनका पैटर्न ऑफ लव था वो हमें भी सेंड करो, ताकि हम भी उसी को फॉलो करें और हमारा भी जो लव है वो सक्सेसफुल हो। नाउ लेट्स सी द टेक्स्ट फ्रॉम द पोएम। एंड दस इनवोकर्स Whom you reverend love made one another's hermitage. लोग इनके मरने के बाद क्या कहेंगे, तुम ऐसे लव थे, ऐसे लव बर्ड्स थे, ऐसे लवर्स थे जो एक दूसरे के लिए हर्मिटेज बन गए, एक दूसरे के लिए चैपल बन गए, एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं। You to whom love was peace That now is rage. तो लोग इनको क्या कह रहे हैं कि जब तुम लोग अर्थ पे थे, जब जिंदा थे, तो तुम लोग एकदम शांति से थे, शांत थे, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद जब तुम हेवन में चले गए, तो यहाँ के जो अर्थ वाले लोग हैं उनके अंदर क्या आ गया, वॉयलेंस आ गया, गुस्सा भर गया। वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो भी उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। और इनको कैसे समझ में आया वो चीज, हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रॉप इन टू द ग्लासेस ऑफ योर आइस। तो इन्होंने क्या किया, जो भी जितना दुनिया में जो चीज हो रहा है पूरे दुनिया को अपने आंखों में समा लिया है। तो इनका जो आइज है वो एक मिरर के जैसा काम कर रहा है, जिसमें पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, लोगों का एक्चुअल नेचर जो है, ट्रू एटीट्यूड जो है वो दिखाई दे रहा है। तो फिर जो अर्थ पे लवर्स हैं वो गॉड से बैक कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमें उनके लव का जो पैटर्न है वो बता दो, ताकि हमारा भी जो लव है उन्हीं की तरह हो जाए, उन्हीं की तरह सक्सेसफुल हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये पोएम आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए, कोई भी पोएम का एनालिसिस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।